की दुनिया पर दोस्तों एक्सिस बैंक जॉब, यानी कि एक्सिस बैंक का कहने का मतलब है कि एक तरह का बीपीओ जॉब। जैसा कि रिसेंटली मैंने एक शिवाजी नगर वाला हिंदी का डाला हुआ था, अगर नहीं देखा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला हुआ है, अगर वहां से नहीं तो मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं, वहां पर भी आपको मिल जाएगी, या मेरी चैनल वीडियो खत्म होगी तो लास्ट में आपको मिल जाएगी, वो आप देख सकते हैं। जो लोग भी हिंदी इंग्लिश मालूम है वो लोग कर सकते हैं, लेकिन अभी का जो जॉब का बताने वाला हूँ उसके लिए इंग्लिश तो आपकी कंपलसरी होनी चाहिए, साथ ही साथ डिग्री होनी चाहिए। और एक चीज, इस जॉब को कॉन्टेक्ट करने के लिए मैं अपना मोबाइल नंबर आपको बताऊंगा, उसी में आप कॉल करके मेरे पास आ सकते हैं। तो मोबाइल नंबर मैं आपको बताऊंगा, उससे पहले मैं जॉब की पूरी डिटेल्स आपको बता देना चाहता हूँ। ये एक तरह का बीपीओ जॉब है। बीपीओ जॉब का कहने का मतलब, जैसे कि लास्ट वीडियो मैंने क्लियरली बताया, फिर भी बता दे रहा हूँ, कि एक तरह का वॉइस प्रोसीजर जॉब होता है, यानी कि कॉल सेंटर का जैसा काम होता है, बस आपको कॉल करके इन्फॉर्मेशन ये सब कलेक्ट करना रहता है। इसमें 26 ड्यूटी रहेगी और 9 आवर की शिफ्ट होगी, जितना भी बैंकिंग काम है सभी 9 आवर का ही काम होता है, एक चीज बता दूंगा आपको। और एक चीज, इसमें नेशनल हॉलीडे ये सब तो छुट्टी मिलेगा ही, साथ ही साथ आपको प्रमोशन भी है, 6 से 9 मंथ में आपका प्रमोशन एक बार होता ही होता है। अगर आप परफॉर्मेंस अच्छा करेंगे तो आपको और अच्छा प्रमोशन मिलेगा, साथ ही साथ सैलरी भी इंक्रीज होगा। ऐसा नहीं कि इसमें जो सैलरी है वही में फिक्स हो जाएगा, और हाँ सैलरी तो बोलना भूल ही गया मैं, 20 से 25,000 तक आपको सैलरी मिल रहा है। डिपेंड है आपका इंटरव्यू किस तरह से जाता है, इंटरव्यू के लिए क्या करना है। इंटरव्यू जाने के लिए हम लोग टोटल अरेंज करवाएंगे आपको, अभी मेरा फॉर्मेट आपको दिख रहा होगा, जैसा लास्ट वीडियो मैंने दिखाया था, ये इंटरव्यू लेटर है, ये जॉइनिंग लेटर है। जो लोग भी बीपीओ जॉब के लिए जाएंगे इंटरव्यू लेटर लेके जाना कंपलसरी हो गया अभी। तो ये इंटरव्यू लेटर के लिए आपको क्या करना है, डॉक्यूमेंट आपको होना चाहिए, वो होने के बाद हम मेल करेंगे, मेल करने के बाद जैसे ही रिप्लाई आएगा वैसे ही मेल का कॉपी निकाल के इस लिफाफा में भर के आपको ज्वाइनिंग लेटर के साथ कंपनी का सिग्नेचर सील और मेरा साइन के साथ आपको भेजा जाएगा। इस इंटरव्यू लेटर का ज्यादा रेट नहीं है, ओनली 500 रुपीज है। तो जो लोग भी इंटरव्यू जाना चाहते हैं और आराम से सक्सेस होना चाहते हैं, उससे पहले यहाँ पे आपको ऑलरेडी मैं ट्रेनिंग दे दूंगा, किस किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा, किस किस तरह से आपको सवाल देना है, कितना सैलरी आपको डिमांड करना है। बहुत किसी को वो लोग बोलते हैं कि कितना सैलरी चाहिए, तो वो लोग 15,000-16,000 बोल के चुप हो जाते हैं, तो कंपनी वाला खुश हो जाता है। तो ये चीज है, डिपेंड करता है आप कितना सैलरी मांगते हैं और कितने आपकी एलिजिबिलिटी है। तो 20 से 25,000 तक है, हम लोग बताएंगे यहाँ आने के बाद, आपको देखने के बाद कि किस तरह से आपको कितना सैलरी मांगना है। बहुत किसी को तो 25,000 तक भी मिल रहा है, लेकिन उसका इंटरव्यू के ऊपर डिपेंडेड है, इसी के लिए हम लोग पहले चेक करेंगे, उसके बाद आपको अलाउ करेंगे कि आपको कितना सैलरी मांगना है, क्या मांगना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट कैरी करना है। मिनिमम 10-12 डिग्री की सर्टिफिकेट मार्क्स कार्ड होनी चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए, बैंक पासबुक होना चाहिए, पैन कार्ड है तो पैन कार्ड भी लेके आना चाहिए। और इसके साथ साथ अगर आपके पास और भी एक्स्ट्रा कुछ डॉक्यूमेंट है, जैसा कि कंप्यूटर का हो गया, कास्ट का हो गया, सर्टिफिकेट का हो गया, रेसिडेंट हो गया, ये सब कुछ भी अगर सर्टिफिकेट है तो लेके आए, आपके लिए बेटर से बेटर जॉब के लिए मैं ट्राई करूंगा। अभी जो ये था बीपीओ जॉब एक्सिस बैंक का था, इसमें क्या 20 से 25,000 सैलरी है, 26-9 आवर ड्यूटी है, नेशनल हॉलीडे छुट्टी मिलेगा, 6 से 9 मंथ में आपको इंक्रीज होगा, प्रमोशन होगा और साथ ही साथ सैलरी भी इंक्रीज होगा। तो जो लोग भी चाहते हैं यहाँ आने के लिए, व्हाइट पी लो फार्म बेंगलोर का एड्रेस है, बेंगलोर में कहीं भी आप मेजेस्टिक आगे, मेजेस्टिक से व्हाइट पी लो फार्म ओ फार्म के लिए आपको टिकट मिल जाएगा, प्लेटफॉर्म नंबर 17 से 333-335, वहां से आके ओ फार्म से एक स्टॉप है एमबीजी कॉलेज, इधर आके आपको कॉल करना है। और एक चीज, जो लोग भी आउट ऑफ स्टेट है, जैसे कि दूसरे स्टेट से बात करना चाहते हैं, तो वो लोग क्या करेंगे, मेरा कॉन्टेक्ट नंबर मैं बता दे रहा हूँ, उससे पहले बेंगलोर आपको आना है, बेंगलोर में आप कहीं भी उतर के आप कॉल कर सकते हैं, मैं आपको बता दूंगा रूट किस तरह से आपको आना है, या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टोटल डिटेल डाला हुआ है किस तरह से आना है, क्या आना है, कहाँ पे है, गूगल लिंक भी मैंने डाल रखा है, तो वो लोग भी जाके देख सकते हैं। और एक चीज मैं आपको बता दूं, मेरा कॉन्टेक्ट नंबर जो है 8747-02-3412, ये मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है, कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, और ज्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए ऑफिस विजिट करो, उसमें अच्छा होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।